दुर्ग साहू संघ ने हसदेव जंगल कटाई के विरोध में दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दुर्ग साहू संघ ने हसदेव जंगल कटाई के विरोध में दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर साहू संघ दुर्ग के युवा प्रकोष्ठ दिनेश साहू एवं दुर्ग संभाग अध्यक्ष देवा साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सरगुजा के हसदेव जंगलों के 500,000 वृक्षों की निर्ममता पूर्वक कटाई कर पर्यावरण एवं गरीब आदिवासियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। साथ ही कहा कि जंगलों की कटाई होने से ऑक्सीजन की कमी होगी जिससे आम जनजीवन प्रभावित होगा। हमने आज युवा प्रकोष्ठ दुर्ग संभाग के सानिध्य में जल जंगल जमीन जो हमारी मातृभूमि है छत्तीसगढ़ महतारी है वहाँ के 500,000 कम से कम वृक्षों को काटा जा रहा है जिससे हमें प्राकृतिक रूप से अभी समझ नहीं आ रहा लेकिन एक विपरीत समय आएगा कि हमें ऑक्सीजन की कमी होगी। आज कोरोना जैसे विपरीत टाइम आए तो यही पेड़ संसाधन हमें ऑक्सीजन देती थी। वहाँ के आदिवासी भाई बंधु हमारे छत्तीसगढ़ के लोग जो इन प्राकृतिक आपदाओं के लिए दस झेलेंगे इनकी मांग को लेकर हम युवा प्रकोष्ठ के लोग यहाँ उपलब्ध हैं कि हसदा में पेड़ को ना काटा जाए उनका कोई वैकल्पिक रास्ता निकाला जाए इस मांग को लेकर हम यहाँ सब युवा साथी युवा प्रकोष्ठ माननीय अध्यक्ष देव कुमार साहू के सानिध्य में यहाँ सब हम लोग उपस्थित हुए हैं और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं कि राज्य शासन को कि हमारी मांग को रखा जाए और पेड़ को ना काटा जाए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आज हमारा युवा प्रकोष्ठ संकल्प ले। हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के भुइयां के जल जंगल जमीन को काटा जा रहा है जिसके कारण जो है आज हर व्यक्ति ये जानते हैं कि वृक्ष रहेगा तो ऑक्सीजन रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा तो जीवन रहेगा। अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो जीवन कहाँ से रहेगा। इस विषय पे हम लोगों ने दुर्ग कलेक्टर महोदय जी को अपने राज्य शासन के लिए एक आवेदन दिए हैं कि इसके काट को वृक्ष के जो कट रहा है उसकी रोकथाम किया जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से प्रशांत सिंह राजपूत के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट।